हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आज मॉर्निंग में 5 बजे अपडेट दी थी कि आज आपका एएलपी का रिवे रिजल्ट जारी होगा, लेकिन उस संदर्भ में आपने कमेंट बॉक्स में बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ की थी। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने टिप्पणी की थी कि आपका रिजल्ट अब जारी हो चुका है, आप एक एक जोन के सभी जोन के रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेंगे, बिलासपुर का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मेरे इस चैनल पे जो जानकारी मिलती है वो एकदम सटीक जानकारी मिलती है, मैं यहाँ पर कुछ फेक अफवाह नहीं फैलाता हूँ। तो आपको कुछ कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि ये मैंने आपको बता दिया था कि ये TCS कंपनी का लिंक है, आपको बता भी दिया था, फिर भी आप कमेंट कर रहे थे ये फेक है वगैरह वगैरह। तो आप कमेंट करने से पहले कुछ सोच लीजिए। चलिए, मैं आपके इस संदर्भ में बात नहीं करता हूँ, बात करता हूँ ALP CB2 के बिलासपुर का रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है, सारी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर सारे जोन की कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसे जैसे आपके रिजल्ट जारी होते रहेंगे, सारे सारे जोन की कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, मैं RRB बिलासपुर की ऑफिशियली साइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आप नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर CN1 2018, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करो नीचे तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको न्यू लिंक एक्टिवेट दिखेंगे आज की डेट में। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो आपका नोटिस है नॉर्मल मार्क्स CB2 के बारे में, ये नोटिस ऑफ रिवाइज रिजल्ट स्कोर कार्ड के बारे में, यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट है, इस लिंक में नॉर्मलाइज कट ऑफ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, एक एक करके सारी बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो अपने कट ऑफ की बात करते हैं, तो जैसे इस पर लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने PDF फाइल डाउनलोड हो रही है। जैसे डाउनलोड होगी आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको दोस्तों सारे सारे जो जो इसी बिलासपुर जोन कटअप है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो जनरल की बात करते तो 58.21 रही है, और SC की बात करें तो 30.04 रही है, ST की 25.04 रही है, OBC की 50.0 रही है। तो दोस्तों, OBC और जनरल के कटअप एक एक मार्क्स बढ़ी हुई दिखी है यहाँ पर, और SC ST की कटअप उतनी ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो रिवाइज रिजल्ट में आपकी कटअप बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जैसा कि मैं आपको सारे वीडियो में बता रहा था, विश्वास नहीं हो तो पिछला वीडियो में देख लीजिए, मैंने सब में आपको यही बताया था कि रिवाइज रिजल्ट में आपको कटअप बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, कम हुई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कई यूट्यूबर बता रहे थे कि कटअप कम होगी, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा था कटअप आपको कम नहीं होगी, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट में आपकी जो एंसर की है, एंसर की में रॉन्ग कुछ क्वेश्चन थे, इग्नोर क्वेश्चन थे, उनको बढ़ाए जाएंगे तो अपने आप कुछ बी पार्ट में फेल अभ्यर्थी पास होंगे, जो पास होंगे तो फिर से इसमें शामिल होंगे, तो उनका मार्क्स भी बढ़ावा शामिल होगा। तो ऑफकोर्स देखने को मिला कि कटअप आपकी बढ़ ही जाएगी, कम नहीं होगी। पर आप मान ही नहीं रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ, कटअप देख लो आपके सामने बढ़ के आई है। और अब जैसे जैसे अदर जोन के यहाँ पर आते हैं, मैं आपको बता जाऊँगा, और जो आपका साइको का एग्ज़ाम है वो 10 मई को होने वाला है। 10-5 आपको ऑफिशियली मैं अपडेट दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे दोस्तों, ये नोटिस जारी हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है CH 2018 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन। तो यहाँ पर दोस्तों, ये सारी जानकारी है यहाँ पर, जो ये लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ शेड्यूल 10-5-2019 तीन शिफ्ट में आपका होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड और 71 मिनट का होगा। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ में इसमें आपका जो आई सर्टिफिकेट है वो भी इसमें जोड़ा गया है। तो अब जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आती है, नए बोर्ड का रिजल्ट आता है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। बाय बाय।